सो हेलो एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यार आज मेरे सामने यार BS7 अपडेट के साथ में यार जिक्सर 250 एंड बहुत एक अंडररेटेड बाइक है यार ये, एंड जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये आती है यार वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है यार कि इसकी सेल होनी चाहिए बट स्टिल अंडररेटेड। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे यार इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड ऑन रोड प्राइस वगैरह सारी चीज़ें हम इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो यार बिना किसी देरी के यार वीडियो स्टार्ट करते हैं यार स्पेसिफिकेशन से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार ये बाइक जो रहने वाली है जिक्सर SF250 जो कि इसका नेम रहने वाला है, एंड स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो है एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड इसके अंदर आपको जो इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि रहने वाला है 249 cc का, एंड पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो 26.2 PS की पावर ये जो आपको इंजन निकाल के देगा एंड 20.2 Nm का टॉर्क ये इंजन आपको जो है निकाल के देने वाला है। सो नो डाउट पावर काफ़ी अच्छी है बाइक की बट स्टिल अंडररेटेड। पता नहीं यार लोग इस बाइक को क्यों नहीं खरीदते, एंड BS7 अपडेट के साथ ये बाइक जो अब आ चुकी है एंड नो डाउट यार बाइक की पावर एंड सुजुकी यार अपनी स्मूथनेस के लिए जाना जाता है। सो यार आई थिंक 250 cc सेगमेंट के अंदर यार एक बहुत एक स्मूथ और एक वैल्यू फॉर मनी आपको जो बाइक की मिल जाती है। यस इतनी पावर फिगर आपको नहीं देगी जितनी आपको KTM ड्यूक 250 देती है बट हाँ एक डिसेंट पावर जो है आपको इस बाइक से मिल जाती है। सो ये बात करी हमने स्पेसिफिकेशन की एंड अब स्टार्ट करते हैं यार इसके टायर से। सो फ्रंट के अंदर आपको जो है 110 सेक्शन का जो इसके अंदर आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा एंड 17 इंचेस के जो व्हील के ऊपर ये टायर जो है रहने वाला है, एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं डायमंड कट इसके अंदर जो है आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड डिस्क साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 320 mm का इसके अंदर जो है डिस्क साइज़ आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट के अंदर। एंड इधर से एक बार अगर मैं लुक चेकआउट करवाऊँ सो यार यहाँ पर आपको जो है ड्यूअल चैनल ABS के साथ में जो बाइक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट के अंदर आपको जो है बाइब्रे का जो है ब्रेक कैलिपर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड देख सकते हैं यार काफ़ी अच्छे अलॉयज जो हैं इसकी बाइक के लग रहे हैं। एंड यार उसी के साथ अगर मैं बात करूँ रियर की सो रियर के अंदर आपको जो है 150 सेक्शन का जो टायर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड 150 सेक्शन का जो टायर आपको देखने के लिए 150 16 R17 तो 17 इंचज़ के ऊपर ये टायर आपको देखने मिल जाएगा। 240 mm का जो है इसके अंदर आपको जो डिस्क साइज देखने के लिए मिल जाएगा, एंड नो डाउट यार काफ़ी एक अच्छा टायर साइज आपको एंड ग्रिपिंग जो है काफ़ी अच्छी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। MRF के अंदर इसके अंदर आपको जो टायर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अब मैं बात करता हूँ यार इसके सस्पेंशन सेटअप की, सो टेलीस्कोपिक इसके अंदर जो है आपको सस्पेंशन सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट के अंदर, एंड रियर के अंदर इसके अंदर आपको जो है मोनोशॉक देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये जो कि आपकी राइड क्वालिटी को एक बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, एंड वंस आई राइड दिस बाइक यार मैंने एक बार ये बाइक चलाई हुई है सो इस बाइक का चलाने का यार अच्छा फील है। इसके अंदर आपको जो है मिड रेंज एंड लो रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हाई रेंज इतनी टॉप एंड एंड इस बाइक का इतना अच्छा नहीं है बट आपको मिड रेंज एंड लो रेंज जो है काफ़ी अच्छी मिल जाएगी जो कि एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी आपको निकाल के देगी। सो फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये बाइक आपको जो है ईज़िली 30-35 की माइलेज आपको दे देगी, बाकी चीज़ डिपेंड करती है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर कि आप कितने लाइक RPM के ऊपर कितने कैसे आप थ्रॉटल देते हो, आप ज़्यादा खींच के चलाते हो बाइक को या ज़्यादा आप लीनियर एक्सेलरेशन करते हो, तो वो चीज़ एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके माइलेज के ऊपर। बाकी ऑल ओवर आर बाइक का डिज़ाइन अच्छा है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, एंड बाइक के अंदर काफ़ी आपको जो फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जैसा कि मैंने बताया कि यार BS7 अपडेट के साथ ये बाइक जो आ गई है एंड E20 अपडेट के साथ भी OBD2 एंड E20 अपडेट के साथ भी ये बाइक जो है अब आ गई है। एंड बिना किसी देरी के अब चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ। सो फ्रंट के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा इसमें, सो इसके अंदर आपको जो है फ्रंट के अंदर प्रॉपर LED सेटअप मिल जाएगा, एक बार मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। सो फ्रंट के अंदर ऐसा कुछ जो आपको LED सेटअप आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड रियर में भी आपको एक बार मैं दिखाया तो रियर में भी आपको जो इसका टेल लैम्प है LED देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप काफ़ी एक अच्छा लुक आ रहा है। बस इसका मेरे को एक ड्रॉबैक लगा यार वो कि जो ड्रॉबैक रहने वाला है यार इंडिकेटर इसके अंदर आपको हेलोजिन ही मिलेंगे, एंड ये जो है इसकी DRL है, बाकी इसके अंदर आपको जो है प्रॉपर लो बीम एंड हाई बीम का जो सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी जो है ब्राइट है लाइट यार, ब्राइट नो डाउट लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा मैंने एक बार यूज़ करी हुई है नाइट के अंदर भी,
अब इसको बंद कर देते हैं एंड ऑल ओवर लुक आप देख सकते हो। एंड ये जो कलर है स्पेसिफिक यार मैट ब्लैक, ये कलर काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है इस बाइक के ऊपर। एंड ऐसा कुछ जो आपको सामने से मिरर देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब ऑल ओवर यार फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं लाइट की, जिसकी वजह से लाइट का आपको जो थ्रो है प्रॉपर आपको रोड पे मिलेगा। ऐसे जब आपको कोई ना ऊपर ना नीचे, मतलब एक एक्यूरेट आपको जहाँ रोड पे लाइट होनी चाहिए, जितनी यूज़ होना चाहिए वहीं पे आपको जो लाइट का थ्रो देखने के लिए मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं यार इसके फ्रंट सेक्शन से, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है आपको लाइट के सेटअप मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको लाइट सेटअप मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पास स्विच हो गया, यहाँ पे आपका इंडिकेटर हो गया, ये आपका हॉर्न के लिए बटन हो गया, ये आपका इग्निशन हो गया, ये आपका जो है किल स्विच हो गया, यहाँ पे ये हॉर्न के लिए बटन आपको लो हो गया। एंड अब बिना किसी देरी के यार इसके जो डिस्प्ले के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए। सो ऐसे जो है कुछ आपको वेलकम मिलेगा डिस्प्ले से, एंड देख सकते हो यार काफ़ी एक ब्राइट डिस्प्ले है यार, आपको एज सच कोई इन्फॉर्मेशन रीड करने में एज सच कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पे आपका न्यूट्रल का साइन आ रहा है, यहाँ पे आपकी ABS की लाइट आई है, एंड यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपके मोड है, सो यहाँ पे आपका टैकोमीटर है, ऊपर आपका फ्यूल गेज आ रहा है, यहाँ पे आपकी स्पीड आ रही है, यहाँ पे आपका गियर इंडिकेटर आ रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यार। यहाँ पे आपकी एवरेज कितनी किलोमीटर की एवरेज आपकी निकली है वो आ रहा है। एंड एक चीज़ और यार, ये जो वो है राइड कनेक्ट एडिशन है, सो इसके अंदर दो एडिशन आते हैं, दो वेरियंट आते हैं इस बाइक के अंदर, एक तो होता है स्टैंडर्ड, दूसरा है राइड कनेक्ट। सो ये राइड कनेक्ट वाला वेरियंट है, सो इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं क्या मिलता है। सो यहाँ से आप जो है अपना ब्लूटूथ पेयर जो आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो है कॉल की नोटिफिकेशन, SMS की नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड ऑन द गो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एंड उसी के साथ में इसके अंदर आपको जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। एंड यहाँ पे जो ऊपर वाला बटन है, यहाँ से आप जो है अपना ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज ए एंड ट्रिप बी, यहाँ से आप सारा अपना ऑडो वगैरह सारी चीज़ें आप अपना जो कंट्रोल कर सकते हो। सो ऑल ओवर यार काफ़ी एक अच्छी फिनिश है, ऐसे कुछ आपको जो इसके मिरर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड सीट की कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ, सो सीट कुशनिंग अच्छी है फ्रंट पैसेंजर के लिए, रियर के लिए इतनी थोड़ी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। रियर की सीट जो है काफ़ी स्टिफ है, सो इसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन वगैरह करा के जो इसको देख सकते हैं। एंड बाइक यार काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो यहाँ पे जो है आपको इसका गियर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश के अंदर, और स्पेशली यार जो ये अब ब्लैक कलर है ना मैट के अंदर, ये बहुत अच्छा फील दे रहा है यार, बहुत अच्छा टेक्सचर है, बहुत नीट एंड क्लीन जो है सारी चीज़ें इसके अंदर है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपका गियर शिफ्टर मिल जाएगा, एंड 6-speed ट्रांसमिशन के साथ ही बाइक जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपका साइड गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है आपका टायर अगर देखने के लिए मिल जाएगा, सो टायर अगर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड एक बार मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है ग्राफिक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका जिक्सर की ब्रांडिंग हो रखी है, एंड SOHC सुजुकी ऑल कूलिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे सुजुकी इको परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको इसकी स्टिकरिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 250 की स्टिकरिंग मिल जाएगी। एंड यहाँ से आपको जो है नीचे इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काउल टाइप का मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप आगे जो है स्किल प्लेट जो है लगा सकते हो, कि आपका जो है ब्रेक लीवर है। एंड आपको एग्जॉस्ट टिप पे जो है क्रोम का जो है काफ़ी काम मिलेगा यार, यहाँ पे आपको ये भी क्रोम मिलेगा, ये भी क्रोम मिलेगा। एंड ये आपको जो टेक्सचर है प्रॉपर आपको रफ मैट के अंदर मिल जाएगा, एंड देख सकते हो आप। एंड ये जो फुट पैक्स की जो पोजीशन है ये काफ़ी अच्छी है। एंड ऑल ओवर यार अगर मैं राइडिंग स्टांस की अगर मैं बात करूँ इस बाइक की, सो राइडिंग स्टांस जो है काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसके अंदर। आप इसको सिटी में राइड करो, चाहे आप इसको हाईवे पे राइड करो, चाहे आप इससे लॉन्ग टूर करो, एंड ये बाइक आपको कभी निराश नहीं करेगी। अगर मैं इसकी लाइक स्पीड की बात करूँ, सो दिस बाइक कैन ईजली क्लॉक 140-135 किलोमीटर आराम से। आप जो एक क्रूजिंग स्पीड आपको चाहिए 110-100, वो आपको आराम से देगी। उसके साथ आपको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी ये बाइक जो निकाल के देगी। बहुत अंडररेटेड बाइक है यार, ट्रस्ट मी, जिसके पास ये बाइक है ना यार, उनसे मैंने जितने बंदों से बात करे वो कहते हैं यार बहुत स्मूथ इंजन है यार, ठीक है, पावर भी है, डिसेंट है, इतनी एग्रेसिव भी नहीं है। और लाइक इसको कोई अगर जो बिगनर है जो कि 110cc से अपना मतलब एक स्कूटी वगैरह से जंप कर रहा है डायरेक्टली 250 सेगमेंट के ऊपर, वो भी इस बाइक के ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये बाइक ना यार बहुत एक
यू नो राइडर फ्रेंडली बाइक है यार, आपको ऐसा डराएगी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम KTM जब कोई पहली पहली बार राइड करता है ना तो उसको ये बाइक डरा देती है। सो यार ये है बाइक आपके सामने एंड नो डाउट काफ़ी अच्छी लग रही है। सो अब स्टार्ट करते हैं यार इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो ऑन रोड प्राइस जो है इस बाइक का आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2,26,000 ऑन रोड डेली इसके अंदर आपको जो प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा इस बाइक का। एंड इस बाइक के अंदर आपको जो दो कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, पहला जो आपके सामने है मैट ब्लैक एंड दूसरा जो कलर ऑप्शन रहने वाला है वो है स्टेलिक ब्लू, जो कि आपको अभी अवेलेबल नहीं है। बट हाँ एक चीज़ अच्छी मेरे को लगी कि इसके अंदर आपको जो है दोनों ही कलर के अंदर कोई प्राइस वेरिएशन नहीं है, प्राइस के ऊपर हाइक नहीं है, तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। एंड यार ये था आज की वीडियो। नो डाउट यार बाइक काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो लुक्स यार कितने ही अच्छे अमेजिंग लुक के साथ ये बाइक जो आती है, बट अंडर रेटेड है। एंड आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो यार मेक श्योर आप चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड यार कमेंट करो यार जितने अच्छे आप कमेंट, जो भी आपको वीडियो के अंदर अच्छा लगा यार वो एक बार मेरे को ज़रूर बताओ, मेरी गलतियाँ मेरी अच्छाइयाँ जो भी कुछ भी आप बता सकते हो। एंड सपोर्ट करो यार अपने भाई को 1000 सब्सक्राइबर कराने में एंड ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट जो आपको मिलता रहेगा। अभी मैं खड़ा हूँ ओखला फेस टू सुजुकी के अंदर, शोरूम की जितनी भी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। सो आओ यार अपने डील ग्रैब करो और अपने घर पे लेके जाओ यार अपनी खुशियों की चाबी एंड मिलते हैं ऐसे किसी अदर वीडियो के अंदर। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।